म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं तो जनरली तीन प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको आपको जान लेना चाहिए सबसे पहला होता है इक्विटी फंड डेट फंड और बैलेंस्ड फंड हर एक प्रकार का अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ये म्यूचुअल फंड्स मेनली स्टॉक्स या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं इनका गोल होता है कि पैसे को लंबे समय तक बढ़ाना यानी ग्रोथ करना हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज में ये इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी फ़ंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनके पास ज़्यादा रिस्क टॉलरेट करने की कैपेसिटी है और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है जैसे कि एक लार्ज कैप इक्विटी फ़ंड एस्टैब्लिश और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करना फोकस कर सकता है अगला है डेट फंड डेट फंड फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है इनका ऑब्जेक्टिव है कि रेगुलर इनकम जनरेट करना और कैपिटल को प्रिजर्व करना डेट फंड्स वो कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जिन्होंने इनकम जनरेशन को प्रायोरिटी दी है और उनका रिस्क अपराइट कम है फॉर इंस्टेंस एक शॉर्ट टर्म डेट फंड एक से तीन साल तक की मच्योरिटी वाले फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है बैलेंसड फंड या हाइब्रिड फंड यह म्यूचुअल फंड्स इनकम जनरेट करना और कैपिटल अप्रीशिएशन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है जनरली ये इक्विटीज और डेट इंस्ट्रूमेंट्स की मिक्स में इन्वेस्ट करता है बैलेंस फंड्स वो इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो इनकम और ग्रोथ पोटेंशियल दोनों चाहते हैं साथ ही साथ रिस्क को भी मैनेज करना चाहते हैं एक बैलेंस फंड का एग्जाम्पल हो सकता है जो परसेंट इक्विटीज में और चालीस डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है ध्यान देना ज़रूरी है कि ये ब्रॉड कैटेगरीज़ है और हर कैटेगरी में वेरियस सब कैटेगरीज़ और फंड ऑप्शन होते हैं जिनमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजीज़ और रिस्क प्रोफाइल होता है जब आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल गोल्स रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट टाइम हॉराइजन को एसेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरत हो तो एक फ़ाइनेंशियल एडवाइस की सलाह लेना जरूरी है इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए